सत्यमेव जयते के दूसरे एपिसोड में हरीश अय्यर ने अपनी जिंदगी की कहानी हम सबके साथ बांटी थी। जब 6.5, 6.5 साल या 7 साल का था, तब मेरे मम्मी के साइड के रिलेटिव ने मेरा बलात्कार किया। काफी लंबे अरसे से हरीश बिना रुके बाल यौन शोषण के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मुद्दे पे एक अहम आवाज है। एपिसोड प्रसारित होने के बाद हरीश को आम जनता में अधिक पहचान और सम्मान मिला। एक बड़ी तादाद में लोगों ने उनसे मिलकर और खतों के जरिए अपनी कहानियां बांटी। सत्यमेव जयते के बाद बहुत असर हुआ है, पॉजिटिव असर हुआ है, बिकॉज बहुत लोग मुझे जान चुके हैं। अभी बहुत बार ऐसे हुआ है कि लोकल ट्रेन में मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ, किसी कोई ना कोई मुझसे आके ये कहता है कि हमने आपको टीवी में देखा और आपको पता है मेरे भतीजे के साथ ऐसे हुआ है या फिर मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो एक तरीके से यू नो पेन इज़ अ ग्रेट बाइंडर और दर्द लोगों को ज़्यादातर जोड़ देता है और इसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका हूं, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड कर चुका हूं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में मैंने बात किया है इस मुद्दे के बारे में। मैं सिर्फ बॉम्बे या इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सारे दुनिया से, अमेरिका से, अफ्रीका से, लंदन से, बहुत सारे शहरों से, ऑस्ट्रेलिया से, बहुत सारे शहरों से लोगों ने मुझे खत लिखे हैं और हर खत कोई दर्दनाक दास्तां बयान करती है। हर उम्र के लोगों ने हरीश के साथ संपर्क किया, अपने घुटन को बांटा और एक लंबी चुप्पी तोड़ी। हर कोई जो ये देख के प्रोत्साहन लेके चुप्पी तोड़ रहा है, वो एक जरिया भी बन रहा है, मीडियम भी बन रहा है कि वो बाकी लोगों को बताएं कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तो तुम प्लीज अलर्ट रहो। हालांकि ये सिर्फ एक शुरुआत है, पर हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हरीश जैसे परिवर्तनकर्ताओं का साथ देंगे। I think that there are sparks that Satyamev Jayate has ignited, और ये चिंगारी मेरे ख्याल से हर जगह फैल जाएगी।